यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान में औरत अपने बच्ची के साथ आती है। खरीदारी करने के बहाने चांदी की पायल मोबाइल के पीछे छुपा देती है और बातों ही बातों में उसे बैग में भी रख देती है। यहाँ पर कई सारे चोरों की टोली एक साथ आती है और तब तक चोरी नहीं करते जब तक दूसरे ग्राहक दुकान से चले नहीं जाते। अब यहाँ पर दुकानदार को दूसरी तरफ बातों में उलझा दिया जाता है। तभी वहां पर साथी चोर का बच्चा काउंटर पर रखे सोने के डिब्बे को उठा लेता है। यहाँ पर दो लोग दुकानदार में सोने की चैन दिखाने को कहते हैं और अपने हाथों में रुमाल रखते हैं। चोर बहुत ही आसानी से रुमाल के पीछे सोने की चैन को दबा देता है और उसे जेब में रख देता है।